नमस्कार, लोक वाणी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों साथ में शिल्पा पाठक। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वच्छ 2018 को लेकर 1 अगस्त से 30 अगस्त स्वच्छ सर्वेक्षण चलाने को लेकर उपायुक्त ने की बैठक। जमशेदपुर कुष्ठ आश्रम के लोगों ने भिक्षाटन मांग कर शौचालय नाली का करा निर्माण। जमशेदपुर में बिहार झारखंड यूनियन के द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ोतरी के विरोध में किया जिला मुख्यालय में प्रदर्शन। और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने अपने दूसरे सीजन स्पेनिश को सीजर फोर्नाटो का किया चयन। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में शनिवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के उपायुक्त ने तमाम पदाधिकारियों को इससे जुड़े कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जाएगा। इसके तहत शहरी इलाकों के अलावा पूरे जिले के ग्रामीण इलाकों को स्वच्छता की जांच कर उन्हें अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए विशेष बैठक शनिवार को आयोजित की गई है। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने कहा कि सर्वेक्षण में घरों तथा सार्वजनिक शौचालय तथा उसकी देखरेख, सार्वजनिक स्थलों पर बने पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, हाट बाजार आदि इलाकों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही पूरे जिले के अंक निर्धारित किए जाएंगे। हालांकि पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर जिले को टॉप 10 की सूची में शामिल किया गया था। उपायुक्त ने इस बार सभी को और बेहतर करने प्रोत्साहित किया है, साथ ही साथ इनके लिए कई दिशा निर्देश भी दिए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 की शुरुआत 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक की जाएगी। इस दौरान में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों पर जिले की रैंकिंग की जाएगी और इसके लिए आज की बैठक आहूत की गई। इसमें मुख्य रूप से शौचालयों के निर्माण और उनके उपयोग के साथ साथ सार्वजनिक स्थल जैसे कि विभिन्न जो है वो पंचायत भवन, विभिन्न विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा हाट बाजार की भी साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो देखी जाएगी और वहाँ पर सार्वजनिक रूप से क्या स्वच्छता मानक अपनाए जा रहे हैं, इस विषय पर जो है वो 1 महीने तक ये पूरा अभियान चलेगा, सर्वेक्षण अभियान चलेगा। इसी की तैयारियों के सिलसिले में जो है वो आज की बैठक आहूत की गई है और इसमें व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम पदाधिकारियों को, कैसे हमारा जिला इस सर्वेक्षण में जो है वो अव्वल आए और इसके लिए जो प्रयास हो सकते हैं, जो जन भागीदारी सुनिश्चित की जानी है इसमें, क्योंकि पीपुल्स फीडबैक भी, सिटीजन्स फीडबैक भी जो है वो लिए जाएंगे कि आसपास के क्षेत्रों में आप पिछले सालों की तुलना में इस साल ज़्यादा स्वच्छ है या नहीं है, क्या गुणात्मक रूप से सुधार हो रहा है, इसके संदर्भ में भी जो है वो फीडबैक लिया जा रहा है। जमशेदपुर के जेमको क्षेत्र में स्थित कुष्ठ आश्रमों में इन दिनों शौचालय तथा बारीक तत्वों के अड्डेबाजी परेशानियां बढ़ गई है। सरकारी तंत्र की तरफ से मदद नहीं मिलते देख आश्रम के निवासियों ने खुद से यहां चार दीवार निर्माण का कार्य शुरू करवाया है। यहां के स्थानीय ने खुद के प्रयास के तहत इस कार्य को पूरा करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में 3 कुष्ठ आश्रम है जहाँ के लोग भिक्षाटन कर अपने जीवन यापन करते हैं और ऐसे में इनके समक्ष बने सरकारी सुलभ शौचालय की स्थिति भी काफी बदतर है। मुख्य रूप से शौचालय से निकलने वाले गंदे पानी के लिए लाइन की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से क्षेत्र में गंदा पानी पसरा रहता है। साथ ही साथ क्षेत्र में बाहरी तत्वों के द्वारा अड्डेबाजी की जाती है, जिस कारण यहाँ के महिलाओं को परेशानियां होती है। इनके द्वारा इसके लिए पूर्व में सरकारी तंत्र से मदद की अपील की गई थी, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं देखा गया। इन्होंने खुद से इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। इन्होंने कहा कि चंदा इकट्ठा कर जेसीबी की मदद से क्षेत्र को समतल किया गया और इसके बाद सभी के श्रमदान से यहाँ नाला तथा चार दीवार निर्माण कराया जाएगा। नहीं, पंखा नहीं चलता।
ये हमारे कुष्ठ आश्रम का समस्या है। यहाँ पर ही कुछ तीन आश्रम है, सेवा आश्रम, जयप्रकाश आश्रम और श्रीराम आश्रम। इसको हम यहाँ के आदमी रहने वाले सब भिक्षाटन करते हैं, उसी से चंदा करके आज इसका नाली का हम लोग जो हमारा शौचालय जेनेसी के माध्यम से बना था सुलभ शौचालय, उसका नाली का निकासी नहीं था, इसीलिए उसको हम लोग आज चंदा करके नाली का निकासी काम कर। विधायक के क्षेत्र से अनेक बार हम लोग ने दरखास्त दिए हैं मगर अभी तक कोई प्रभाव पड़ा नहीं हम लोग के ऊपर। और समस्या है, देखिए अभी अगर हम लोगों के पास जितना है चंदा करके भिक्षाटन करके आदमी कितना रुपया देंगे, ये तो बहुत सारा रुपया का लागत है। अगर कोई विधायक क्षेत्र से अगर जाके देखते हैं, अगर कोई विधायक से कुछ मदद मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो अभी बरसात का सीजन है, बरसात का सीजन में अंदर में पानी टपक रहा है, प्लास्तर गिर रहा है, बीच में एक बार ऐसा दुर्घटना होते होते बच चुका है। शौचालय का निकासी का नहीं है और जो रूम सब में है पानी का व्यवस्था है नहीं, और प्लास्तर गिर रहा है और पानी जो टपक रहा है ये तो है ही है, साथ में इसका जो ड्रेन किया जा रहा निकासी द्वार, ये तीनों आश्रम का माध्यम से बाउंड्री वॉल किया जा रहा है अपना, जैसा भी श्रमदान करके हम लोग काम को चालू कर रहे हैं। और बाउंड्री वॉल होने से हमारा जमीन का जमीन भी बचेगा, जो अतिक्रमित हो रहा है वो भी रुकेगा, और आश्रम को अगर बाउंड्री वॉल चारों तरफ से कर दिया जाए तो सुरक्षित होगा। जमशेदपुर बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा देश भर में पेट्रोल की कीमतों पर लगाम लगाने तथा कीमत को कम करने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में इनके द्वारा बाइक को पैदल ले जाकर प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा बाइक के साथ पैदल मार्च साक्ची स्थित आम बगान मैदान से निकाला गया, जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस दौरान सभी ने एक स्वर पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को वापस ले जाने की मांग की। इनके अनुसार इस बढ़े हुए पेट्रोल की कीमतों का सबसे ज्यादा असर फील्ड में काम करने वाले लोगों पर पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को मोटरसाइकिल के सहारे ही अपना कार्य पूरा करना पड़ता है और पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है और ये बेहाल हो गया है। इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द पेट्रोल तथा डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि दोनों ही कीमतें कम हो सके। पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कम करो, नहीं चलेगी, दो सौ मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बीएसएसआर यूनियन तथा सीआईटीयू के बैनर तले बढ़ती हुई पेट्रोल तथा डीजल के दाम का ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन और मार्च कर रही है। हमने एक सांकेतिक विरोध का रूप में गाड़ी को साक्षी गोल चक्कर से खेलते हुए लाए हैं। आज के दिन में जो देखा जा रहा है 75 रुपया अगर तेल का दाम है, पेट्रोल का दाम, उसमें 35 रुपया खरीद मूल्य पड़ता है और 40 रुपया हम टैक्स के तरफ देते हैं, 21 रुपया केंद्रीय शुल्क और 18 रुपया राज्य का भैट है। आज पिछले 3 साल में 9 रुपया से बढ़कर केंद्रीय शुल्क 21 रुपया हो गई है। इतना बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है, इसके विरोध में आज देश भर में हमारा जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उनके बैनर पर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एक्साइज ड्यूटी इतना मत लो, कम करो, और राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि केरल राज्य के तर्ज पर भैट को घटाओ। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने अपने दूसरे सीजन के लिए स्पेनिश कोच सीजर फर्नांडो का चयन किया है, जो अपना जोहर स्पेन के क्लब में दिखा चुके हैं, जहां से कई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर विश्व कप में स्पेन की टीम से अपनी छाप छोड़ेंगे। बिस्टुपुर से जेआईडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्कर एवं स्पेनिश कोच सीजर फर्नांडो के अलावा जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। संवाददाता सम्मेलन के दौरान टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्कर ने कहा कि पिछले कई वर्ष इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में 5वां स्थान प्राप्त किया गया था, वहीं दूसरे सीजन की तैयारियां जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसी के तहत स्पेनिश कोच का चयन सीजर फर्नांडो के रूप में किया जा रहा है। सितम्बर माह के अंत तक टीम का चयन कर लिया जाएगा। वहीं इस वर्ष टीम का अभ्यास स्पेनिश में कराने की योजना बनाई जा रही है। नए कोच से हम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। फीफा के द्वारा कराए गए वर्ल्ड कप में क्रोशिया ने जो भी प्रदर्शन किया था वो हम लोगों के लिए प्रेरणा प्राप्त कर रही है, जिसकी आबादी झारखंड की आबादी का 10वां हिस्सा के बराबर है।
वैसे देश फुटबॉल के माध्यम से विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान छोड़ चुका है, क्योंकि वहाँ फुटबॉल का प्रशिक्षण 10 वर्ष की आयु से शुरू किया गया था। वैसे शुरुआत टाटा फुटबॉल एकेडमी में हम लोगों के द्वारा शुरू की गई है, जहाँ 10 से 12 वर्ष के बच्चों का चयन किया जा रहा है, जिन्हें बेहतर प्रशिक्षण विदेशी कोच के माध्यम से देकर विश्व के मानचित्र पर इंडियन फुटबॉल की पहचान को बनाने का प्रयास किया जाएगा। नए कोच आए हैं, उनके साथ हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, और ना केवल ये, हम लोग ने ये भी सोचा है कि हम PFA को और जो ग्रास रूट है उसको बहुत उसके वर्क करेंगे, क्योंकि फाइनली अगर हम इंडिया का फुटबॉल टैलेंट बनाना चाहते हैं तो वो टैलेंट ग्रास रूट ले आए। और आपने तो इस बार देखा ही है, क्रोएशिया जैसा जो स्टेट है, कंट्री है, 4 मिलियन लोगों का कंट्री है, मतलब अगर आप जमशेदपुर और रांची को मिला दें, अपन झारखंड लेवल पर उसका 1/10 पॉपुलेशन ऑफ झारखंड का एक कंट्री फुटबॉल के फाइनल में पहुँचा है। तो उनमें सबका एक चूज ये जरूर है कि बचपन से खेल के उसमें से लोग आना है। मैं भी हम लोग PFA में 14 साल के लोग को लेते हैं, यंग एज से चालू करेंगे, और आपको मैंने देखा है कि ऑलरेडी ये ग्रास रूट को स्टार्ट करने का काम यहाँ पे काम हो चुका है। Words of introducing Sardar Farano, I am very happy to introduce Sardar Farano as the head coach for Jamshedpur FC for the coming season and for Jamshedpur as our head coach for the football. वही संवाददाता सम्मेलन में मौजूद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के दूसरे सीजन की जिम्मेदारी ही हेड कोच सीजर फर्नाटो ने कहा है कि पिछले वर्ष खेले गए मैचों में की गई है गलती से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस वर्ष जमशेदपुर फुटबॉल का प्रशिक्षण और बेहतर तरीके से कराया जाएगा, ताकि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता जा सके। कई विदेशी खिलाड़ियों का चयन टीम के लिए किया जाना बाकी है। टीम तैयार होने के बाद प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो विदेशी और देश की धरती पर किया जाएगा। Thank you. I want this to thank that our stadium and Jamshedpur to give me the chance to be here today. And I watch Jamshedpur for matches, play for matches, and I want to change more things, and we are going to work very hard to make a good team, a single players with a good a strong commitment with the team, and I hope in the end of the season we can improve a lot. Okay. खबरों वक्त हो जाए, छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 06572438616, 9835551212, 9431113166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
जमशेदपुर के बरमाई थाना अंतर्गत लकड़ी चाल में अचानक आग लग गई और आग की लपट ने पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। वैसे ये आग कैसे लगी कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्र बताता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालांकि जिस वक्त आग लगी उसमें कोई नहीं था, लेकिन लाखों रुपए का लकड़ी जलकर आग हो गया। यह आग देर रात में लगी। हालांकि दिन होने के बाद गोदाम के मालिक को पता चला कि गोदाम में आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पाने को लेकर 2 दमकल को लगाया गया है। फिलहाल आग बुझ गई है, लेकिन आग कैसे लगी इसको लेकर मंथन जारी है। ताप तो लग रहा है, फिर भी ताप लग रहा है। इंश्योरेंस वाला निकाल लिया आपने अब तो, कितना फिर भी कितना का लगा था? करोड़ों का ऊपर ही। कुछ नहीं, हम लोग तो थे नहीं, हम लोग सुबह में आए, मॉर्निंग टाइम आए हैं। क्या सुने क्या आए? तो पता चला कि आग लगा हुआ था, तो दमकल गाड़ी सब लगा हुआ था, काम चल रहा था, उसी में हम लोग आके सेटिंग करवाए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा पिछले दिनों सरकार द्वारा श्रम कानून के एवज में दिए फैसले के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है। एक बैठक के लिए इसकी जानकारी एटक के सदस्यों ने दी है। आपको बता दें कि पिछले दिन रात सरकार ने श्रम कानून को लेकर नया नियम लागू किया है। इसके तहत 50 मजदूरों से कम मजदूर होने पर उप संस्थान में श्रम कानून लागू नहीं होगा और वहां के मजदूर इस नियम के अधीन नहीं होंगे। इटक ने इसका विरोध जताया है। इनके अनुसार ये मजदूरों का शोषण होगा, चूंकि तब तक छोटे छोटे संस्थानों में मजदूरी करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी और न ही वो अपने ऊपर होने वाले जुर्मों की शिकायत श्रम विभाग से कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि इसके खिलाफ राज्य भर में आंदोलन चलाया जाएगा। वर्तमान समय में जिस तरह का मैसेज आम जनता के बीच में गया है, आम मजदूरों के बीच में गया है, इससे जगजाहिर होता है कि तुम 30 का लाइसेंस लो और 100 से काम कराओ। ये खुले तौर पर ठेकेदारों को छूट दिया गया है, कंपनी के मालिकों का छूट दिया गया है कि आप जैसे मर्जी हो वैसे मजदूरों को गुलाम बना करके काम कराओ। और इसलिए जमशेदपुर शहर में सिंहभूम जिला AITUC निर्णय लेती है। बैठ करके हम लोग कुछ दिन में पूरे आंदोलन के रूपरेखा को तैयार करेंगे और जैसा होगा निर्णय सभी मजदूरों को साथ लेकर के हम लोग रोड पर उतरेंगे। सरकार का ये निर्णय आया है कि 50 मजदूर से कम अगर कहीं पर है तो वहाँ श्रम कानून लागू नहीं होगा। आप जरा गौर कीजिए कि अभी मिनिमम वेज को लेकर के चाहे होटल में काम करने वाला मजदूर है, चाहे छोटा उद्योग में काम करने वाला मजदूर है, कम से कम उसके अंदर एक धारणा है कि हमको मिनिमम वेज अगर नहीं मिलेगा तो हम जाकर के DMC में कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब श्रम कानून ही लागू नहीं होगा तो कहाँ कंप्लेन करेगा, यह बहुत बड़ी विषय है। जमशेदपुर से 37 बटालियन NCC के नए बैच का चयन कर लिया गया है। शनिवार को कॉपरेटिव कॉलेज में इन सभी को NCC की तरफ से प्रमाण पत्र दिया गया, साथ ही NCC के नियमों से भी अवगत कराया गया। पिछले दिनों लगभग 300 छात्रों ने NCC में भर्ती के लिए आवेदन दिए थे, जिनमें से कुल 60 बच्चों को चयन कर लिया गया है। शनिवार को सभी नियम तथा टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं, जिसमें 300 छात्रों में 60 छात्रों को NCC तथा 37 बटालियन में शामिल कर लिया गया है। इन सभी को आगामी दिनों में NCC की पूरी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसलिए कुछ खा करके आइए आदत का लिए। सबसे पहला काम लोग करता है कि क्या करते हैं, आपके शौचालय क्रिया होता है कि कितने दिन तक पर्चे उतारने की कोशिश करेंगे, किसी को नहीं मालूम है, उसका तुरंत खा लेता है, क्योंकि फिर कब खाने को मिले कोई पता।
आज कोऑपरेटिव कॉलेज एनसीसी कोई नंबर 1/37 झारखंड बटालियन का आज बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें आर्मी के भी जेसीओ एनसीओ और पीआई स्टाफ का काफ़ी सहयोग रहा। इस बहाली के दौरान लोगों को दौड़वा करके, चिलिंग करके, बैंड करके और विभिन्न तरह की अन्य शारीरिक गतिविधियों की परीक्षा लेकर के उनके मार्क्स तथा एक्स्ट्रा करिकुलर जो उनके एक्टिविटीज़ है उन सबको जज करके और यहाँ पर लगभग 60 बच्चे बच्चियों का चयन किया गया है। कितने बच्चे इसमें भाग लिए थे? इसमें लगभग 350 बच्चों ने भाग लिया था, लेकिन कठिन जो है उनके प्रतियोगिताओं के दौर से गुजरने के बाद फाइनल लगभग जो है 60 बच्चे और 10 बच्ची सिलेक्ट हुए। जमशेदपुर अखिल भारतीय छात्र महासभा द्वारा महासभा के टेलको मंडल के अध्यक्ष मनीष सिंह को कदमा थाना प्रभारी द्वारा बेवजह पिटाई किए जाने के खिलाफ जिला मुख्यालय महासभा के द्वार प्रदर्शन किया गया, साथ ही इनके द्वारा थाना प्रभारी पर न्यायिक कार्यवाही की मांग की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि विगत 11 जुलाई को महासभा के टेलको मंडल के अध्यक्ष मनीष सिंह एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान कदमा थाना प्रभारी तथा पुलिस जवानों द्वारा उन्हें पकड़कर थाना ले जाया गया और फिर उनकी पिटाई कर दी गई। इस मामले में इनके द्वारा पूर्व में जिला पुलिस कप्तान को लिखित शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की कि जल्द से जल्द थाना प्रभारी पर उचित न्यायिक कार्रवाई की जाए। हमारा साथी क्षत्रिय संघ के मनीष सिंह जी अपने एक बारात से आ रहे थे, रिटर्न आ रहे थे। उस दौरान में कदमा थाना के कदमा हनुमान मंदिर के सामने थानेदार जितेंद्र ठाकुर के द्वारा उन्हें उठाया जाता है बिना किसी कसूर के और थाना में ले जाके उनको लाठी या डंडा से मारा जाता है और रात भर रखा जाता है उनको। फिर लड़की वाला पक्ष आता है, उसके बाद जो है हमारे मित्र मनीष जी और उनके साथियों को छोड़ा जाता है वहाँ से। उसके बावजूद हम लोग बड़िए अधीक्षक एसपी साहब से भी मुलाकात की इस मैटर में, तो हम अभी तक वो बताएं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए जिला के मालिक उपायुक्त महोदय से आज हम लोग मिलेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे और जैसा होगा जब जो भी घटना हुआ उस घटना को जानकारी। जमशेदपुर जुगसलाई नया बाजार क्षेत्र में लग रहे मोबाइल टावर का क्षेत्र के निवासी ने विरोध जताया है। इनके द्वारा टावर से फैल रेडिएशन के खतरे को लेकर यह विरोध जताया जा रहा है। बताया जाता है कि क्षेत्र के निवासी शिव शंकर मिश्रा जो कि नया बाजार क्षेत्र में रहते हैं, उनके आवास के छत पर टावर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इनके अनुसार यहां जो टावर लग रही इससे इस क्षेत्र में रेडिएशन का खतरा फैलेगा। उन्होंने कहा कि आसपास में एक घनी आबादी निवास करती है और इस क्षेत्र के लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस पर रोक लगाने की मांग की है। घर के सटे हुए घर है, एकदम बिल्कुल सटे हुए घर है और उसी में वो लोग टावर बैठा रहा है। शिव कुमार शिव शंकर मिश्रा। तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग के घर के आसपास में टावर नहीं लगना चाहिए। अगर भाई दुबे बच्चा लोग चले गए, कपड़े पसारे, हम लोग कुछ भी होगा तो उससे रेडिएशन निकले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग नहीं लगने देंगे। और अब चलने से पहले डालते अब तक की सुर्खी पर। स्वच्छ 2018 को लेकर 1 अगस्त से 30 अगस्त स्वच्छ सर्वेक्षण चलाने को लेकर उपायुक्त ने की बैठक। जमशेदपुर कुष्ठ आश्रम के लोगों ने वृक्षाटन मांग कर शौचालय नाली का करा निर्माण। जमशेदपुर में बिहार झारखंड यूनियन के द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ोतरी के विरोध में किया जिला मुख्यालय प्रदर्शन। और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने अपने दूसरे सीजन स्पेनिश को सीजर फोर्नाटो का किया चयन। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने हमारे साथ। नमस्कार।